यहाँ से आपको धनकर विलेज का पूरा व्यू मिल जाएगा। एक बार नेचर की आवाज़ सुनिए यहाँ पे। है ना ओसम, मुझे बड़ा मज़ा आता है ऐसे किसी शांत जगह पर। रुक जाओ, थोड़ी देर रुको, एंजॉय करो नेचर को, मज़ा आ जाता है। टोटली रिफ्रेशिंग। आगे आपको एक गेट दिखाई दे रहा है, अगर आप राइट जाएंगे तो जाएंगे धनकर गोम्पा और स्ट्रेट है काजा के लिए। तो चलिए जी, ले चलते हैं आपको धनकर गोम्पा। यहाँ से लिख रखा है 8 किलोमीटर, टीप इंक्लाइन है, गुरखा है सेकंड गियर में, ऑन 4x2। अभी तक स्पीति में 4x4 की ज़रूरत नहीं पड़ी है। ओहो, आगे तो और ज़्यादा इंक्लाइन आ रहा है। तो ये है जी धनकर गोम्पा का फर्स्ट व्यू। कई बैंड्स हैं, बैंड्स के बाद आपको ऐसा धनकर मोनेस्ट्री का फर्स्ट व्यू दिखाई देगा। लुकिंग ब्यूटीफुल। आसपास का नज़ारा आपको दिखा देता हूँ, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। हालांकि हल्की हल्की डिजीनेस हो रही है, बाकी कुछ मेजर ऐसा नहीं लग रहा अभी। ये देखिए खेत में काम कर रहे हैं फार्मर यहाँ पर। तो फाइनली हम गोम्पा के बिल्कुल सामने खड़े हैं। रोड कंडीशन मैंने आपको दिखाई थी, बाकी अभी आपको दिखाते हैं गोम्पा के शॉट्स। तो ये है जी आउटर व्यू ऑफ गोम्पा। जनरेटर चल रहा है तो शायद आवाज उतनी क्लियर ना पाए, बट मैं आपको दिखा रहा हूँ एक और गोम्पा है पीछे। ऐसा बता रहे हैं वो ओल्ड है और ये नया है, कुछ ऐसा है सिस्टम। यहाँ से व्यू दिखा देता हूँ आपको, फिर भी चलेंगे। मकानों की कंस्ट्रक्शन देखिए यहाँ पे, टिपिकल लद्दाखी जो मकान है वो दिखाई दे रहे हैं। छत देखिए, ये ना उससे बनाते हैं जो अपना फसल के बचे अवशेष होते हैं ना, हम तो पराली बोलते हैं वैसे। अब ये नहीं पता है कौन सी क्रॉप से बनाते हैं, बाकी मिट्टी और उसका लेप के ना तब बनाते हैं, ताकि ये सर्दियों के अंदर गर्म रहे। लेंटर जो है वो बहुत ठंडा रहता है। ये एक आपको लुक दे रहा हूँ यहाँ की, वो वहाँ दूर दिखाई दे रही है स्पीति वैली, और चारों तरफ है स्नो क्लैडेड माउंटेन। कुछ एक होमस्टे तो आपको बिल्कुल गोम्पा के पास ही मिल जाएंगे। ओके जी, अब हम जा रहे हैं ओल्ड गोम्पा।
तो जी गाड़ी कर दी यहाँ पे पार्क, और ये है जी गोम्पा। चलिए चलते हैं। तो यहाँ का अपडेट क्या है कि मौसम के हिसाब से थोड़ी ठंड है। आपने देखा है मैंने ऊपर वूलन कैप ले रखी है और जैकेट भी पहन रखी है, अंदर इनर है, तो लेयरिंग ज़रूरी है। आप ऐसा मत सोचिएगा कि काजा के आसपास धूप है तो थोड़ा गर्म रहता है, पर जैसे आप ऊपर आएंगे आपको ठंड लगेगी। नमस्ते जी। नमस्ते जी झूले, कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ। सो जी फर्स्ट व्यू, कितना अच्छा स्लोगन लिखा हुआ है, उत्पत्ति के प्रथम और विलय के अंतिम। यहाँ से आपको धनकर विलेज का पूरा व्यू मिल जाएगा। वो था नया गोम्पा जी, जहाँ पे भी हम थे वहाँ से देख रहे थे इसको। दिखने में काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्री लग रही है। मैं वैसे अपडेट नहीं हूँ, आई थिंक ये कुछ सबसे पुरानी या सबसे ऊंची, नहीं सबसे ऊंची तो की मोनेस्ट्री है, पुरानी होगी शायद ये। ये देखिए, मैं आपको बता रहा था ना, जो रूफ़ है वो ऐसे बनाई जाती है, मड प्लस में जो फसल के बचे हुए रिमेन्स होते हैं उनको मिला के, इससे गर्म रहता है। तो चलिए जी एंट्री करते हैं गोम्पा में। यहाँ से जाना पड़ेगा, एक रास्ता इधर है, एक रास्ता इधर है। चलो इधर से चलते हैं। एक बार सीढ़ियाँ देखें, यहाँ पे पत्थर भी नहीं है, प्रॉपर सीमेंट भी नहीं है, क्या चीज़ भाई ये। अच्छा देखिए एक बार कितनी नीचे है यहाँ पे, और टेक्सचर दिखाता हूँ छत का मैं आपको एक बार। यहाँ देखिए लकड़ी के जो होते हैं ना तने, उससे बनाया हुआ। चलिए अंदर चलते हैं, लिखा भी हुआ है प्लीज़ माइंड योर हेड। ओके जी, आई थिंक यही है जी मेन गोम्पा, यहाँ पे कुछ है। ये नीचे बच्चे पहुँच गए। एक्चुअली यहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है, ये कुछ पुराने टाइम के लगा रखे हैं जिन्होंने, फोटोग्राफ है पुरानी। यहाँ लिख रखा है भंडारण, यानी कि स्टोरेज। ये कमरा यार, अंदर तो नहीं जाएंगे, बाकी यहाँ पे खाना वगैरह रखते होंगे। और इधर है फिर से स्टेयर्स ऊपर जाने के लिए। ओके, मेन गोम्पा ये है, पता नहीं अब हर जगह मेन ही लग रही है। यहीं से दिखा देते हैं आपको। ये क्या चीज़ है भाई, भेड़ की लगा रखी है ओरिजिनल खाल। अरे बाप रे, हड्डियाँ भी हैं, ओरिजिनल है भाई ये। प्लीज़ डू नॉट एंटर प्रेयर रूम, हम एंटर नहीं करेंगे, बस आपको दिखा देंगे। ये है जी प्रेयर रूम। ये पता नहीं क्या है, पर आगे मास्क रखे हुए हैं। एक मेरे को पता है लद्दाख में ट्रेडिशन होता है, उसके अंदर ऐसे मास्क पहन के उसके रिचुअल्स होते हैं, शायद वही कुछ होगा। हमने भी पूछा है तो बताते हैं कि ये सबसे पुरानी मोनेस्ट्री है, की मोनेस्ट्री सबसे ऊंची है और ये सबसे पुरानी है, 1100 साल पुरानी है ये मोनेस्ट्री। ये है सिग्निफिकेंस इस मोनेस्ट्री का।
ये एक कंपाउंड रह गया था हमारा, एक रूम रह गया था, ये भी आपको दिखा देते हैं। ये है जी, यहाँ पे एक्चुअली ना मेरे सामने देख रहे हैं, यहाँ पे बैठ के होती है पूजा, और यहाँ पे होंगे लॉर्ड बुद्धा की स्टैचू। जी हाँ, ये आपको मैक्सिमम जो मैं क्लियर ले पा रहा हूँ वो दिखा सकता हूँ, इससे ज़्यादा क्लियर यहाँ पे आ नहीं रही है क्योंकि अंधेरा बहुत है। इतना ब्यूटीफुल बनाया हुआ है, इसके ऊपर हैवी वर्क रखा है। सो दैट इज़ ऑल फ्रॉम धनकर गोम्पा। उम्मीद करता हूँ आपको लॉग पसंद आ रहा होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी बारीकी और डिटेल से आपको जगह दिखा सकूँ, शायद मैं कामयाब रह रहूँगा। बाकी आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा, आपके कमेंट से बहुत सपोर्ट मिलता है और मन करता है कि इससे भी अच्छे कंटेंट बनाए जाएँ। तो अभी टाइम हो गया है 5:30 का, और सोच रहे हैं कि मुद जो है वो भी पिन वैली है, उसको करके वो निकलेंगे। तो देखते हैं, नीचे जा रहे हैं एक बार, जहाँ भी होम स्टे मिलेगा रुकेंगे, आपका शेयर करेंगे होम स्टे भी कि कितने का है कैसा है। तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।